क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आलू तो बहुत अच्छे हैं इसके, नो डाउट, लेकिन धनिया से इसलिए मैंने नहीं कराया था क्योंकि वारदात पुरानी है, तो उस समय तो मैंने कोई शिकायत करी नहीं थी, उस समय तो मेरे इन लॉज ही बाकी पेट में सही तो मीठी है, पेट की तो वही तो मैं कह रही हूँ पेट की बुरी है वो, बातन से मीठी जैसी उसकी शकल है उतनी। कराने आती हूँ मैं, काफी अच्छा हो गया है, मैंने कहा हेयर वॉश करा लेती हूँ, खुद से मेहनत। मुझे गुस्सा दिला रहे थे वो, मतलब मुझे अनाप शनाप लिख रहे थे कि जैसे कि कमेंट्स में लोग लिखते हैं ना मेरे लिए कि होता है ना, एक उस ग्रुप में थोड़ी देर के लिए टाइम आउट हुआ, टाइम आउट से मेरा मतलब वो ग्रुप लॉक हुआ को क्या कहते हैं वो एक गलत वो देंगे, तो मैं उस इंसान को चैलेंज कर रही हूँ जिसने ऐसा लिखा था। अजितेश की वाइफ हूँ और विवान की माँ हूँ, तो मेरा खून नहीं बदलवा सकते, लेकिन ये लोग मुझे उसी नजरिए से अपने घर पर उसके बाद हमारा बहिष्कार करियो, दलाली खाता है, 5-5 हजार रुपए लेता है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आप देख रहे होंगे ब्लू ब्लू सूट में मेरी जान, ब्लू ब्लू सूट में मेरी दूसरी जान, अब वो हमारे रखवाले। स्कूटी खड़ी है, पंचर पिछले 4-6 दिन से इस पर ध्यान नहीं दे रही है साक्षी मिश्रा, क्योंकि यही जाती हैं जिम, हालांकि जिम भी नहीं जा रही हैं। आप लोग को बता दिया है कि हम लोग जैसा कि देखी होगी आपने रील मेरी आईडी पे, अजितेश कुमार पे हम लोग जा रहे हैं कचहरी, आज है तारीख, गाड़ी में भी हवा कम लग रही है। खैर कोई बात नहीं, ये तो हवा पड़वानी पड़ेगी हमें, बाकी बने रहिए ब्लॉग में, बताते हैं क्या हुआ, क्या बयानबाजी हुई। ठीक है, ओके, रन रन की वो बस बस साथ में ही रहना, लेकिन भीड़ है आगे, भीड़ है भीड़। मैं आ गई हूँ कोर्ट, यहाँ पे मेरे बयान है 164 के, और मेडिकल का इशू हो रहा है, तो मेडिकल इसलिए मैंने नहीं कराया था क्योंकि वारदात पुरानी है, तो उस समय तो मैंने कोई शिकायत करी नहीं थी, उस समय तो मेरे इन लॉज ही मेरी कंप्लेंट कर रहे थे उल्टा जा के, और मैं थाने पुलिस चौकी के चक्कर में नहीं पड़ रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे भी कोर्ट कचहरी आना पड़ा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा यहाँ, फिर बयान होंगे, फिर आगे का प्रोसीजर बाद में बताऊँ। तो गाइस, पजैरी से फ्री होने के बाद हम लोग कर रहे हैं कुछ पेट पूजा, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, सर में बहुत ज़्यादा हो रहा है दर्द, तो पहले सोचा कि कुछ खा लेते फिर घर पर जाके सो जाएंगे। विमान अपने पिताजी से मांग रहे हैं पानी, यहाँ खा रहे हैं अजितेश कड़ी और चावल, मीठी मीठी वाली कड़ी, खट्टी खट्टी नहीं, मीठी मीठी वाली, थोड़ा मीठा टेस्ट है। ये मैं खा रही हूँ समोसा, लेकिन इसमें धनिया पड़ा हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आलू तो बहुत अच्छे हैं इसके, नो डाउट, लेकिन धनिया से यहाँ पे जो कुक है जो खड़ा धनिया लवर है, इसमें हर चीज़ में खड़ा धनिया पड़ा हुआ है, हाँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देख सकते हैं आप कितनी क्वांटिटी आलू में डली है। कहाँ से आए हैं भैया? हमारे पति की एक बुआ है, वो भी कासगंज की, कतई मीठी है खरबूजन की तरह। खरबूजा जी कासगंज वाला चालू हुआ है, ऐसी मीठा ही आता है, ऐसी मीठी बातें करते हैं वो भी। कहते हो गए 110 ऐसी खरबूजा दे रहे हैं बुआ, योयो की बुआ की तरह है। बाकी पेट में सही तो मीठी है, पेट की तो वही तो मैं कह रही हूँ पेट की बुरी है वो, बातन से मीठी, जैसी उसकी शकल है उतनी वैसी है वो, बुरी शकल है उसकी, बुरी नीयत है और बुरी है वो, बहुत ज्यादा बुरी। कभी मेरे बाप का अच्छा नहीं चाहती है, लेकिन उसकी बातें ऐसी होती हैं कि उससे अच्छा कोई है ही नहीं। हाँ, बहुत मीठी, वैसे उसने अपने बच्चे बना दिए दोनों लड़कियाँ। पता नहीं कैसे सहावर के मेरे और जो बुआ फूफा है, जो मेरी मम्मी की तरफ की रिश्तेदारी है, पता नहीं कैसे झेलती होंगी उसे ना, वो लोग जो उसकी ऐसी मीठी मीठी करता रहे, तो ही उनसे भी सबसे कहते रहे पूरा भूगद्दा कर लिया है। तो गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और गर्मी की वजह से सर में हो रहा है दर्द भयंकर वाला, दिमाग हो रहा है एकदम खराब। अब जा रहे हैं हम लोग घर, पहले शॉप से लेंगे दूध,
विवान और उसके पापा गए हुए हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे, फिर सो जाएंगे। सब लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन किस शहर से हमारी वीडियो देख रहा है और किसके यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, मतलब कितनी गर्मी है, कमेंट करके बताना। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो आउट ऑफ इंडिया से हमारी वीडियो देखते हैं, तो वो लोग भी कमेंट करके बताना कि ठंड में रह रहे हैं वो या गर्मी में रह रहे हैं। तो गाइस, मैं हम लोग जब कोर्ट से आए थे और मैंने आपको बताया था कि मैं सो जाऊंगी घर पे जाने के बाद, तो मैं फाइनली सो गई थी। अजीतेश ने मुझे बहुत उठाया बहुत उठाया, क्योंकि अजीतेश इतने गंदे कड़ी चावल खा के आए थे जिससे अजीतेश का बिल्कुल पेट नहीं भरा था। तो अब मैं कुछ बनाऊंगी, और लेकिन मेरा ना पाँच पानी वाले गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। आप लोग सोचते होंगे, देखो आपने देखा होगा ना, चार पाँच दिन से हम लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकले क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा बेटर फील नहीं कर रही थी मैं। और गाइस, ये मेरे कृष्ण जी बन रहे हैं, कमेंट करके बताना आप लोग कि आपको कैसे लग रहे हैं ये। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं हरमूसा, और आपको चेंज चेंज नज़र आ रहा होगा, ये वीवो को दे दो लो, क्योंकि ये प्रगति दी ने कर लिया है चेंज। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा जहाँ हेयर वॉश कराने आती हूँ मैं, काफ़ी अच्छा हो गया है, प्रगति बैठी हुई है, मैंने कहा हेयर वॉश करा लेती हूँ, खुद से मेहनत नहीं होती बालों तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखो ये बैक में इतने प्यारे प्यारे वॉलपेपर्स हैं, वीवो हेलो कर दो, मिठाई नहीं खिलाई, खजूर खिलाया बिल्कुल बिल्कुल कह रही है एकदम डाइट वाला खा लो, खजूर दूध है, दूध और दे देती है एक गिलास खजूर से है। वीवो ये बहुत कंजूसी कर रही है, वो है तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है वहाँ पे। हाँ हाँ, वहाँ पे पानी वानी की थोड़ी सी दिक्कत थी, यहाँ पे सब बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है, सही है। मतलब रश आ जाएगा ना तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, हाँ, जैसे वहाँ हो जाती थी। हाँ हाँ, पापा को मेरा चश्मा दिया हो, ये मैं हेयर वॉश कर रही हूँ, वो शायद वहाँ पे आए हो। तो गाइस, हेयर वॉश हो गया डन, और अब मैं बहुत खुश में परी लग रही हूँ। यो तुम बताओ मुझे कैसी लग रही है? कर लो परी तो हमारी इमेजिनेशन वाली स्टोरी है कोई। हाँ चिज्जी, चलो दिलाऊ। तो गाइस, हम लोग का डिनर हो गया, और मैंने बनाए थे आलू के पराठे और रायता, जो कि मैंने मैं किंडर जॉय खा रही हूँ। नहीं खा रहा है किंडर जॉय, कल खाएगा, ये जानबूझ के बता रहा है। मैं खाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, खा लेना। तो स्वाति दी आई थी और आंटी आई थी, तो उनके साथ हमने डिनर कर लिया, और अब हम सोने जा रहे हैं। रात का बज रहा है एक, कल संडे है इसलिए थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि विवान को कल स्कूल नहीं जाना है, और एक अब विवान की छुट्टी पड़ने वाली है, वैसे भी लेटे हैं। बाप बेटे मैं दिखा देती हूँ दोनों को, निशान को लगाने की। ये बोले बाबा है, क्या हुआ, क्या कर रहे हो दोनों? बोलते बोलते मेरी तरफ कर दिया कैमरा। कुछ नहीं गाइस, मैं अभी कल वल में ना एक ग्रुप में ऐड हो गया था, वो हमारे समाज के बंजारों का ग्रुप था, तो मुझे लगा कि भाई उसमें समझदार लोग होंगे, मैं अपनी बात रखूंगा उसमें, और लोग मेरे पिताजी को समझाएंगे, वो उस तरफ कानून पुर औरैया की तरफ के लोग थे उसमें, तो मुझे लगा वो लोग पढ़े लिखे लोग होंगे, वो समझाएंगे जिसे वो नेता बनाना चाह रहे हैं। लेकिन गाइस, मुझे बाद में पता चला कि वो तो 100-200 रुपए में पौओं पे बिकने वाले लोग थे, जिन्हें मेरा बाप पालता है, वहां जा जाके हजार हजार 2-2 हजार रुपए देता है, तो उनके घर में चूल्हे जल रहे हैं, तो वो सबके सब मेरे ही पीछे पड़ गए, मुझे टारगेट करने लगे। फिर एक समझ, मतलब टारगेट क्या, जितेश को गुस्सा दिला रहे, मुझे गुस्सा दिला रहे थे वो, मतलब मुझे अनाप शनाप लिख रहे थे, कि जैसे कि कमेंट्स में लोग लिखते हैं ना मेरे लिए, मुझे उल्टा सीधा लिख रहे थे कि मैं उन्हें घर याद हूँ, फिर उन्हें मौका मिले मेरे लिए कुछ करने का। लेकिन मैं उन लोग की बातों से समझ गया था कि ये लोग मुझे क्यों उकसा रहे हैं। उसमें लिख रहे थे कि तुम 6-6 महीने तुमने जेल काटी है जानबूझ के, जानबूझ के, कि तुम्हारा
एक्सीडेंट हो गया था, विधायक जी ने तुम्हें बंद करा दिया था। अरे मैंने कहा यार ये तो जान बूझ के मेरे उंगली कर, और फालतू में साक्षी के फादर का नाम ग्रुप में लिख रहा, तो मुझे और गुस्सा आ रही थी कि क्योंकि हरीश नायक को अच्छे से पता है ये चीज कि अगर मेरे फादर का नाम लिया जाएगा। उसमें जैसे कि होता है ना, एक उस ग्रुप में थोड़ी देर के लिए टाइम आउट हुआ, टाइम आउट से मेरा मतलब वो ग्रुप लॉक हुआ, तो मैंने कहा चलो लॉक वॉक कर दिया होगा एडमिट। तभी थोड़ी देर बाद जब वो ग्रुप खुला तो उसमें एकदम से मधुमक्खी की तरह मेरे ऊपर को लोग आए। मैं समझ गया कि ये सब ट्रेंड होकर के आए, ट्रेनिंग मिली है कि उसको टारगेट करो, उसको गंदा लिखोगे तो वो गुस्सा होगा, गुस्सा होगा। हाँ। तो जिस तरीके से एकदम से लोगों के बात करने का तेवर बदल गया, मैं समझ गया कि ये लोग ट्रेनिंग लेकर के आए, मुझे टारगेट कर रहे हैं। खैर उस ग्रुप के लोग भी ये वीडियो तो आपके घर वाले भी तो यही करते थे, नायक जो था वो पहले मेरे पिताजी का ही तो नाम लेते थे, यही करते थे, यही करते हैं गाइस। और इन लोग को अच्छे से पता है कि हमें किस बात पे गुस्सा आ जाती है, तुरंत हम एग्रेसिव हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई, उन अनपढ़ों के बीच में पहुंच गया। वो लोग चीजों का निस्तारण नहीं कर रहे थे, चीजों को बढ़ावा दे रहे थे, गलत चीजों को। और दूसरी चीज, जैसा कि मेरे पिताजी जो भी उनसे ये कहता है कि बैठ के बच्चों से बात क्यों नहीं करते हो, तो वो ये कहते हैं कि ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, इन्हें पैसे दे दो तो ये चुप हो जाएंगे। और क्या कह रहे थे कि मकान पे, भाई मकान पे कब्जा कर लिया है, मकान खा, ये बात सही है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, कब्जा वब्जा ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सबको, उनके पास कोई रीज़न तो है नहीं, हमने तो देखो हर वीडियो में अपने पॉइंट्स बता रखे हैं कि हमारी क्या शर्तें हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी के पास कोई रीज़न ही नहीं है हमें गलत साबित करने का। तो वो यही कहते हैं, जैसा कि कुछ नेगेटिव लोग समझते भी हैं, जो सही है वो तो हमें समझ रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, हमें तो अपनी दो तीन बातों का जवाब चाहिए, और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या वो कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। बाकी समय बताएगा कि किसको क्या चीज़ चाहिए, किसको क्या चीज़ नहीं चाहिए, बाकी आप लोग समझदार हो गाइस, बस प्यार बनाए रहो, हमें समर्थन करे रहो, ठीक है, भोले बाबा चाहेगा तो सब सही हो जाएगा। फिलहाल आज मेरा मन बहुत ख़राब था, क्योंकि भाई जो भी हो वो अखबार में जो भी चीज़ निकली है भाई पढ़ के वो अच्छी नहीं लगी, ठीक है। देखो गाइस 100 बार बोल चुका हूँ, आज शायद 101वीं बार बोल रहा हूँगा कि मुझे मेरे पिताजी से कुछ नहीं चाहिए, बस बैठ के बात करनी है, जिसके लिए वो राजी नहीं हो रहे हैं, जो उन्हें ये चीज़ समझाता है कि बच्चे तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बैठ के बात करो, तो वो उन्हें बरगलाने लगते हैं कि साक्षी की नज़र ख़राब है, साक्षी को मकान पे कब्जा करना है कि उन लोगों को मकान, अरे भाई क्यों ये सब बातें उत्पन्न क्यों हो रही हैं, अगर आप इतने सही हैं तो बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी क्यों गांड बढ़ रही है, बहुत समझे आप लोग। और सेम चीज़ मेरा भाई वो वीडियो में जो कह के गया था कि तुम तरसते रह जाओगे, तड़पते रह जाओगे, लेकिन तुम लोगों से कोई बैठ के बात नहीं करेगा, 2020 से प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये लोग 2020 से ही हमें टारगेट कर रहे थे अंदर ही अंदर, इसलिए हमें समझ रहे हो ना, 2020 से बेदखली में लगे हुए थे। तो भैया बेदखल भी अगर करना है तो क्यों करना है, बैठ के बता दो तो हम बेदखल हो जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस आप लोग का मैं ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार बनाए रहिए, साक्षी तुम्हें जो अपना कहना हो कहो। और गाइस जैसा कि मैं हमेशा बोलती हुई आई हूँ कि इनके फादर और इनकी जो दादी थी वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम हमारी बिरादरी में शामिल नहीं होगी जब तक तुम हमारे लिए नॉनवेज नहीं बनाओगी, नॉनवेज खाओगी नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बात शेयर की है। तो ये बात बहुत ज़्यादा सत्य आज मुझे मालूम पड़ गई, मतलब आज मैं कन्फर्म हो गई इस चीज़ से, क्योंकि जो ग्रुप के लोग थे वो भी यही चीज़ बोल रहे थे कि तुमने एक अदर कास्ट की लड़की से शादी की है, अजितेश से कह रहे थे, और हम समाज में उसका बहिष्कार करेंगे, मतलब मेरा और हमारी शादी को क्या कहते हैं वो एक गलत वो देंगे। तो मैं उस इंसान को चैलेंज कर रही हूँ जिसने ऐसा लिखा था कि वो मेरी शादी को और मुझे बहिष्कार करके दिखाए, जो भी है वो उसके लिए ये चैलेंज है, और मैं जल्दी उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, अजितेश ने मुझे समझा दिया, वरना ऐसे लोग तो बस वही है ना, वो अजितेश के पिताजी का चमचा है बहुत बड़ा, और वो इतनी बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग्स भेज रहा है हमें, हम जल्दी शेयर करेंगे आपसे वो भी। और वो जिस तरह बोल रहा था, हिम्मत उसकी सामने आने की नहीं होगी ना, सामने आने की बकवास करनी, वो जैसा आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना नेगेटिव कमेंट वालों के लिए, ऐसा ही है वो बंदा बिल्कुल, जो बकवास कर रहा था बस, और फोन कर रहा था अजितेश तो फोन नहीं उठा रहा था, बाकी बस लिखे जा रहा था। तो मैं उसको बताऊंगी कि कैसे बहिष्कार करा जाता है और कैसे क्या किया जाता है, पहले अपने आप लिंटर तो डलवा ले अपने घर पर, उसके बाद हमारा बहिष्कार करियो,
दलाली खाता है, 5-5 हजार रुपए लेता है दलाली खा खा के, और हमारा बहिष्कार करेगा। अरे जा, तेरा सारा चिट्ठा निकलवा लिया है, पूरा बायोडाटा है मेरे पास। अगर तू किसी को गलत लिख रहा है ना, तो पहले अपने कर्म ढक, उसके बाद गलत बोल। ये उसी के लिए, और वो वीडियो देखेगा, 100% देखता है वो, तो समझ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और बाकी ये लोग मुझे हमेशा ब्राह्मण की बेटी मानेंगे, तो मैं हूँ ब्राह्मण की बेटी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं अजितेश की वाइफ हूँ और विवान की माँ हूँ, तो मेरा खून नहीं बदलवा सकते, लेकिन ये लोग मुझे उसी नजरिए से देखते हैं, तो देखते रहे ये लोग मुझे उसी नजरिए से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। को बता दो कि तुम सालों मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है, मेरा गुरूर नहीं है, ये सच्चाई है। सालों तुम मेरी बराबरी 100 जन्म ले लेना, तुम अभी सिंह की बराबरी कभी कर ही नहीं पाओगे, ये सच्चाई है, और मेरी भी। चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप आपने आज ब्लॉग इंजॉय किया होगा। इंजॉय किया, कोर्ट वोट का ही ब्लॉग था, तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए, हम अपने लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपको दिखाते रहेंगे। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए। बाय गाइज, लव यू ऑल।